तो वहीं यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी की ओर से जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन बागपत की महिलाओं ने पंचायत चुनाव के ऐसे प्रत्याशियों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है जो वोट के लिए शराब बांटते हैं, और ऐसे उम्मीदवारों को महिलाओं ने वोट देने से इनकार कर दिया है। बागपत में टीएम की ग्राम चौपाल में महिलाओं ने ऐलान किया है कि जो लोग चुनाव में पुरुष मतदाताओं से वोट पाने के लिए शराब बांटेंगे उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा। महिलाओं से कोई ना ही तो वोट के लिए ये कहता, सब पुरुषों को बकाते हैं, उनको शराब पिलाते हैं, उनके बच्चों को पिलाते हैं, केवल अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए कि हमें वोट दी जाए। यही मांग रखी है कि इस बार युवाओं को या बुजुर्गों को किसी को भी शराब ना बांटी जाए, जिससे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि प्रधान तो एक बार शराब बांट देगा, हाथ भी एक बार जोड़ लेगा, बाकी 5 साल तक हमें भुगतना पड़ेगा। चुनाव में किसी भी प्रकार की नशे की जो भी लोग उसका समर्थन करते हैं उनका वो बहिष्कार करेंगे, तो एक बहुत ही अच्छा संदेश है ये पूरे समाज के लिए। मुझे लगता है कि इस गांव से निकलकर सभी गांवों में ये बात पहुंचेगी, और मैं अपनी सभी मीडिया बंदियों से और आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो एक अच्छा समाज के प्रति, एक अच्छे व्यवहार के प्रति जो महिलाओं का समर्थन है, उसको सभी लोगों के बीच में पहुँचाया जाए।